हाल फिलहाल की घटना है, वो हुआ कंपटीशन की बात आया तो एक बात याद आ रहा है, देख लीजिए। ऐसे भी वो दोस्त अमर लगाया था ये स्टेटस, आइए ना हमारा बिहार में एग्जाम से पहले आंसर मिल जाएगा आपको बाजार में ना, तो इस सब पे एक बात याद आ रहा है, ठीक है सुन लीजिए। जस्ट पिछले संडे को बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, एक से डेढ़ घंटा पहले आपका आंसर शीट बाजार में मिल रहा था ना, सब्जी के जैसा, किराना आइटम के जैसा बाजार में मिल रहा था ना। ये लोग जानते हैं हम लोग सुशासन चाचा, पलटू चाचा जिसको कहते हैं, वो कहते हैं कथी बिहार में बाहर हो और नीतीश कुमार हो, आइए ना महाराज बाहर तो आइए, बाहर तो आप दे रहे हैं, छोटा छोटा ऐसा ऐसा बात बताएंगे ना बेटा कि खून खौल जाएगा आपका खून है। एगो हम लोगों के जमाने में एगो आइए ना एगो बात याद आ रहा है हम लोगों के, रुकिए इसको खत्म करिए, रुकिए थोड़ा सा। हम लोगों के जमाने में लगभग 2014 में एक बिहार एसएससी का बहाली आया था, बीएसएससी बिहार एसएससी का बहाली आया था, समझ गए। उसका बहाली फाइनल जानते हैं कब किया महाराज, 2022 में, बोलिए 14 से 22 में बेचारे, इसमें इसके बीच में कितने लोगों का शादी ब्याह होकर के बाल बच्चा हो गया होगा, अगर वो एग्जाम हुआ इसके एथी पर रहते, यदि इसके आशा पर रहते तो बेचारा का शादी उदी हो पाता का है। ऐसे भी बिहार में जानिए रहे हैं नौकरी ना भेल हो तो बेटा शादी ना लगल हो, शादी ना भेल हो ना, क्या कहा जाए बिहार का सिस्टम क्या कहा जाए। जानते हैं अपने सुशासन चाचा पलटू चाचा जो है केरल का पत्र करते हैं महाराज, केरल का पत्र करिएगा हैं आप, झूठों के ठेल ठाल के लड़का सबको टेंथ पास करा देते हैं, इंटर पास करा देते हैं, आईआईटी का आप सिलेबस कभी कम करवाने गए हैं, आपको जो मर्जी करता है टेंथ का सिलेबस कम कर देते हैं, टेंथ का सिलेबस हटा देते हैं, अभी इस साल कम कर रहे हैं आप, इस समय कौन महाराज कोरोना है हैं, तो ट्वेल्थ का सिलेबस कम कर देते हैं, आईआईटी का सिलेबस हुआ और मेडिकल का सिलेबस हुआ, आज आप जाके कम कीजिएगा हैं, आप तो खुद लड़का को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे भी महाराज आप लोग राजा है, कोई भी राजा थोड़े ना चाहता है कि साला प्रजा चालाक हो, प्रजावा चालाक होगा तो आप राजा कैसे बन पाइएगा ना, तो ये सब थोड़े सोचिएगा आप, ठेल ठाल के गणेश मार्क्स लेकर तो खुश हो जाता है, तत्काल फायदा केकरा ना चाहिए भाई, सबको चाहिए। तत्काल लड़का का 295 नंबर आ गया तो आप ओकरा एथी दे देते हैं, क्या बोलते हैं भाई स्टार मार्क्स यानी ग्रेस मार्क्स दे करके फर्स्ट डिवीजन के श्रेणी में लाते हैं, 10,000 का चेक थमा देते हैं, लड़का खुश जा, लड़का क्या है भाई नदान है, उसको जिंदगी के बारे में थोड़े पता है, 35 साल से तो आप ही लोग चला रहे हैं महाराज, क्या क्या घटना बताए आपको तो इतना दिन से हो घटना सुन लिए, देखिए हम जो देखे हैं वो सब बता रहे हैं। बीपीएससी से जो टीचर का बहाली हुआ था 1994 में शिक्षक का बहाली हुआ था बीपीएससी के द्वारा, बीपीएससी के द्वारा 1994 में शिक्षक की बहाली आया था। आप लोग तो महाराज मार के सूतल रहते हैं, क्या बता क्या मारते हैं क्या फूकते हैं है? अब 94 के बाद आपको 2023 में महाराज याद आया कि अरे बापरे हमारा बिहार में तो शिक्षक ना है, योग शिक्षक ना है, तब आप 2023 में सोचे हैं कि बीपीएससी के द्वारा टीचर की बहाली करेंगे, बीपीएससी के द्वारा टीचर की बहाली करेंगे ए महाराज। आई जब उस समय आप जितना 8वां तक स्कूल था उसको 10वां तक किए, जितना 10वां तक था उसको 12th किए, 10+2 किए, उस समय आपको याद नहीं आया चाचा है, उस समय याद नहीं आया आपको कि उसमें टीचर की बहाली करना चाहिए है? आपको तो दिखाना था, आप कह देते हैं बक देते हैं कथी कि महिलाओं की सुरक्षा, हमारी गांव की बेटी बहू पढ़ेगी, बेटियां पढ़ेगी, पढ़वे करेगी महाराज, एडमिशन करा लेगी, कोई वो आपके आप जो स्कूल बनवाए हैं उसमें बकरी गाय भैंस पढ़ता है, बकरी बनाता है लोग गांव देहात में अभी भी है, हम लोग के यहाँ सब बनाता है, जा करके देखिए ना महाराज। आप एगो हमारे ये पाठक साहब आए नया नया का से का कर दिए, पूरा उथल पुथल कर दिए, छोड़िए है, देखिए 94 के बाद आप आए यहाँ पे, 2023 में आपको याद आया कि अरे बात शिक्षक को बहाली करना है ना, अब क्या अब इतना दिन के बाद में अब जो खा गए आप, कहा जाता है कि बच्चा ही राष्ट्र के अच्छे निर्माण में काम देता है, आप बच्चा का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं महाराज, आपका राष्ट्र कथी कटहर बनेगा, कथी बनेगा कटहर, क्या बोले क्या बोले, बोलने लायक आप लोग छोड़ ही नहीं है, ये तो वही बात हो गया ना कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, गरीब के बेटा तो ऐसे ही रोड पे रिक्शा ठेलेगा रहेगा, आप लोग उसको क्या घंटा फर्क पड़ता है महाराज, जा करके आप लोग तो थमा देते हैं, सुंघा देते हैं पंसाही 2000 जाके दबा देता है भाई,
जानता तो इनोसेंट होता है, निर्दोष होता है, हम लोग क्या करें? हम लोग पढ़ लिख करके आज बेरोजगार हैं क्या? आप में क्षमता नहीं है, आपको औकात नहीं है हम लोगों के लायक जॉब देने का, आपको क्या करें? आप देखिए महाराज, आप जो बहाली करते हैं 1500 पर शिक्षा मित्र का बहाली की आप, आज जा करके आप उससे एग्जाम ले रहे हैं, 10 साल पहले जिसका एग्जाम बहाली कर लिया आप, आज के डेट में कह रहे हैं बीपीएससी पास करना है, सीटेट लवर तिलो वो पास करना है। महाराज आप 1500 पद दिए तो आप 1500 साल, एक तो मजदूर इससे चार गुना कमाता है, तो ये 1500 पद कोनो अच्छा जो मेरिट वाला होगा उसमें गया होगा, बुरा मानने वाली बात नहीं है भैया, इसमें आप यदि उसी समय एग्जाम लेकर के उसी समय बढ़िया से बहाली करते, आप धीरे धीरे 2000-4000 करके यानी का देते लॉलीपॉप जैसा तैका तैका चटाते रहते हैं, क्या कहा जाए आप लोगों को? उसी समय आप एग्जाम लेकर के बहाली करते भाई, बीपीएससी के जैसा एग्जाम लेकर के, शिक्षा व्यवस्था इतने थोड़े गिरा रहता महाराज, केरल केरल का पत्र करिएगा अभी ये, आप तो चाहते नहीं है, अभी तो बात बोले है ना, कथी राजा साला कौन चाहेगा कि हमला प्रजा चलाक हो, नहीं राजा आप रहबे नहीं करिएगा। पलटू चाचा है, का कहे पलटू चाचा, एगो ये बेचारे हैं, रुक जाइए एगो बड़ी आई आइए सर, आलम सर, एगो मैथ रीजनिंग के बड़ी दमदार टीचर आ गए हैं, आइए हम लोग अभी इस पे बात करेंगे, क्या पता आज मूड में आ गया है, आइए तनी सा आंख खोलते हैं आप लोगों का, सिंपली पढ़ लिख के आइए ना सर, आइए आलम सर, पढ़ लिख के महाराज इस तरह से सिंपली कुछ ना कर सकते हैं, कथी कीजिएगा महाराज, 10 लाख रुपया पॉकेट में रखिए ना, नौकरी लीजिए, तो हम गरीब को कहां से पैसा होगा कि 10 लाख रुपया देंगे, बोलिए नौकरी होगा नहीं होगा? आइए सर कुछ बताइए, आप तो जनरल कॉम्पिटिशन के टीचर हैं तो आप ज्यादा ही जानते हैं इस फेरा में, बताइए थोड़ा सा। अमरेश सर ने हमको मौका दिया कुछ बोलने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए, है कि नहीं? जैसे कि बिहार पुलिस के बारे में इन्होंने जिक्र करा था तो हम बाहर खड़े होकर सुन रहे थे और ये अच्छी अच्छी बातें बोले हैं। देखिए हम लोग तैयारी कराते हैं बच्चों सबका, और हर बच्चों का सपना होता है कि मैं जॉब ले लूँ और जॉब लेकर अपने परिवार को परवरिश करूँ और अच्छा से अच्छा अपना माता पिता का सेवा करूँ। लेकिन क्या है कि बच्चे एग्जाम में तो बैठ रहे हैं और एग्जाम में बैठने के बाद में क्या होता है कि पेपर लीक का शिकायत आ रहा है, और पेपर लीक का शिकायत आ रहा है तो पेपर को कैंसिल किया जा रहा है, तो इसमें क्या है, गड़बड़ी कहाँ है? तो गड़बड़ी इन लोगों खुद में है, इस सरकार में खुद गड़बड़ी है, क्योंकि बच्चा तो जो पढ़ने वाला है वो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कितना अटेम्प्ट करता है, 65 से 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन इतना अटेम्प्ट करता है, और जिसके हाथ में यह क्वेश्चन मिल जा रहा है वो 95 क्वेश्चन मार दे रहा है, 90 क्वेश्चन मार दे रहा है। अब देखिए जिसका रिजल्ट आना चाहिए उसका रिजल्ट नहीं आया तो गाँव वाले क्या करते हैं, हंसते हैं कि तू भी तो भाई शहर में रखकर पढ़ रहा था, वो भी शहर में रखकर पढ़ रहा था, उसका रिजल्ट बन गया, तुम्हारा रिजल्ट नहीं बना। तो क्या होता है, यहाँ लड़का डिप्रेशन का शिकार होता है, और डिप्रेशन का शिकार होता है तो क्या करता है, पढ़ाई छोड़ देता है, नहीं तो सुसाइड करता है, और हम शिक्षक लोग क्या है, कितना मोटिवेट करें, मोटिवेट करते करते तो हम लोग थक जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पीछे नहीं हटते, उस विद्यार्थी को फिर हम लोग ये साहस बढ़ते हैं और साहस बढ़ के उसको आगे बढ़ाते हैं, है कि नहीं? अब इन लोगों की क्या बात है, ये नेताजी लोग की भैया क्या बात है, इनकी बात जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बिहार पुलिस के एग्जाम में है कि नहीं, 2 घंटा पहले मार्केट में क्वेश्चन था, ये कोई एग्जाम होता है क्या, ये सिस्टम है क्या? ये हमारे पास नितेश चाचा का, इस सिस्टम में सुधार करना चाहिए, नितेश चाचा को सिस्टम में क्या करना चाहिए था, सुधार करना चाहिए हम लोग को, है ना? जैसे कि यहां पर देख रहे हैं, है कि नहीं? चलिए उन पर इमेज नहीं है, आप लोग नितेश चाचा को 95 करते हैं, और उनके को भतीजा है भैया, एक उनके भतीजा है जो खुद ही मैट्रिक पास नहीं है, चाचा भतीजा की, है ना भैया, खुद मैट्रिक पास नहीं है, और वो कहता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, क्या खाक करेगा, वो तो राजा का बेटा है भैया, उसको क्या चीज दुख तकलीफ, क्या कभी वो कंपटीशन का तैयारी किया है कि नहीं? कभी वो कंपटीशन का तैयारी किया है? अगर टेंथ भी कभी तैयारी किया रहता तो उसको समझ में आता कि एक विद्यार्थी का दुख दर्द क्या होता है, है कि नहीं? विद्यार्थी दिन रात परिश्रम करता है, वो जीके जीएस पढ़ रहा है, जीके जीएस का सिलेबस भैया आप समझते हैं ना, समुद्र से ज्यादा गहराई का है कि नहीं? और आप बिहार भैया बिहार पुलिस में क्या करते हैं कि जीके जीएस भैया भरे हुए हैं, ठीक है अच्छी बात है, आप एग्जाम लीजिए, शेड्यूल से लीजिए, क्वेश्चन को भैया सही तरीके से आप भेजिए किसी कॉलेज में, हाँ जहां पर एग्जाम हो रहा है। आप लोग क्या करते हैं कि इलेक्शन के समय पैसे की आवश्यकता है भैया, क्या करते हैं, क्वेश्चन आउट कराते हैं,
सर मान लीजिए इसका सर जानते हैं, इसका तो अभी बढ़िया से एग्जाम नहीं ले पाए पलटू चाचा आप, इसका बढ़िया से एग्जाम नहीं ले पाए और अगला वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं महाराज, वैकेंसी थोड़े दे रहे हैं आप, तो अपना इलेक्शनवा निकालने के लिए कह रहे हैं, सीधा सीधी कहिए ना, सीधा सीधी कहिए, सही बात है कि नहीं सर? ये तो सही बात है। अभी एग्जाम साला एगो सक्सेस घेवड़ा नहीं हुआ, आप दूसरा बहाली दे रहे हैं, आ लीजिए सर। और ये लोग कहते हैं कि हम बहाली दे रहे हैं, वैकेंसी दे रहे हैं भैया, हम पब्लिक जितने भी विद्यार्थी उन लोगों को नौकरी मिलेगा, नवयुवक को हम लोग कॉपरेट करेंगे, लेकिन ये गलत बात, वैकेंसी दिया फिर भैया क्या एग्जाम इन लोग रद्द कराता है, पैसा इन लोगों के घर में चला जाता है। जो विद्यार्थी मान लीजिए कि ठीक है किसी तरह भी पैसा लाया या उसके घर पैसा था, वो भैया 2 लाख 3 लाख रुपए 5 लाख 6 लाख रुपए देकर क्या क्वेश्चन खरीदा, फिर भी तो वो घाटे में गया कि नहीं गया। लेकिन जो विद्यार्थी पढ़ रहा है वो अपने उम्मीद से अपने मेरिट के अनुसार वो रिजल्ट आना चाहता है, है नहीं? और मेरिट के अनुसार रिजल्ट लाकर भी ये सोचता है कि चलिए हम शादी ब्याह करेंगे। इन लोग के थोड़ी जैसा है कि जरा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए कितना आराम से भैया, ये देखिए पीछे से बढ़िया से कितना आराम से ये हाथ मिलाए हुए भैया अपने वाइफ से। हर किसी का शौक होता है, हमको शौक है, आपको शौक है, हर किसी का शौक है, हर विद्यार्थी को शौक है कि मेरा इस साल बिहार पुलिस में रिजल्ट हो जाता तो भैया मैं जिससे मोहब्बत करता हूं या जब मेरी गर्लफ्रेंड है कहती कि आप जल्दी से जल्दी नौकरी लीजिए ना ताकि हम लोग एक साथ में रहें, वो हर किसी का खुशी होता है। देखिएगा ये कहां जाके क्या शादी कर लिया उससे, है कि नहीं? इसको तो भैया क्या है सब कुछ मिला हुआ है, एक गरीब बच्चा क्या करता है तैयारी करना चाहता है, जॉब लेकर भैया अपना क्या सेटलमेंट करना चाहता है ना। और इन लोगों के कोई मन विचार में कोई बात आती नहीं, कभी दुख तो झेला नहीं है लोग। और देखिए नीतीश चाहता तो थोड़ा सा पढ़े लिखे अच्छे पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन क्या है कि नॉन मैट्रिक के भैया फेर में पड़ जाते हैं, इसको कुछ आता है? इतना तो ही सर, सारा सिस्टम में अनपढ़ गवार मंत्री लोग बना है, क्या महाराज नौकरी देंगे, क्या नौकरी देंगे बताइए आशा, आप लोग बताइए जरा। अब जो जिसको कानून मंत्री बना दिया जाए भैया, वो खुद कभी कानून नहीं पढ़ा है, क्या हम लोग के लिए ऐसा कानून बनाएगा महाराज? हाँ वो अपने लिए कानून बनाएगा, वो अपने लिए हक के लिए बनाएगा। जाइए ना राज्य सरकार की बात छोड़े ना, केंद्र सरकार की बात करें, वहां भी सब भरा हुआ है भाई। अब ये बिहार सरकार की तो बातें छोड़िए, जो कभी पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षा से उसका दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं है, उनको शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है। जो जिनको कानून का थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं, उनको कानून मंत्री बना दिया जाता है। जो कभी आपके क्षेत्र में घूमा नहीं होगा उसको क्या बना जाते हैं, कृषि उद्योग मंत्री, सब लवर तिलो जो होता है सब मंत्री बना दिया जाता है। सर एक बड़ा अच्छा बात याद आ रहा है, जानते हैं ये लोग महाराज भगवान का अनुवाद होता है, देखिए ये लोग भगवान का अनुवाद जानते हैं सर काहे कहते हैं हम लोग, देखिए आप बउआ आप लोग सुन लीजिए जरा ध्यान से। आप लोग यदि मान लीजिए एसएससी जीडी जो एसएससी जीडी का आप यदि जॉब कर रहे हैं, यदि आप इसको छोड़ करके जा रहे हैं बीपीएससी में, यूपीएससी में जा रहे हैं, ठीक है यूपीएससी में जा रहे हैं। अब देखिए इसका तो जरा इन लोगों का समझ लीजिए, जरा पहले आपका समझ लीजिए, उसके बाद में हमारे ये बिहार के ना बिहार में बाहर हो नीतीश कुमार हो फिर से उसमें तरीका क्या अंतर होता है जरा समझ लीजिए। देखिए अगर आप एसएससी जीडी में जॉब करते हैं, आप इसमें यदि इसको छोड़ करके इसमें आ गए तो जानते हैं भैया इसका पेंशनवा वेतनवा सब रुक गया, इसका पेंशन वेतन मिलेगा। ये छोड़ करके आप यूपीएससी में चले जाते हैं तो ये आपका समाप्त हो गया, इसका पेंशन जो सॉरी पेंशन इसका वेतन जो होगा ये होगा। अब पेंशन तो खैर खत्म हो गया है, लेकिन इसके उल्टा थोड़ा सा समझ लीजिए आई का पलटू चाचा लोग का यानी सरकार लोग का नेताजी लोग का क्या हाल होता है। देखिए अगर मान लीजिए कोई विधायक है, देख लीजिए कोई विधायक है, विधायक से यदि मंत्री बन जाता है, रुकिए लिखते हैं, यदि कोई विधायक है विधायक से मंत्री बन जाते हैं, मंत्री से फिर सांसद बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, फिर सांसद से केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं, देखा जाए फिर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, इसके बीच में बहुत सारा आएगा। देखिए विधायक में सर ये रियलिटी बता रहे हैं ना, देखिए आप सपोज विधायक बन गए, विधायक से यदि आप मंत्री में सिलेक्ट हो गए, अब देखिए इसका भी पेंशन मिलेगा आपको आ इसका भी मिलेगा, ठीक है। अगले चुनाव में यदि आपका जनता का विकास किए हैं तो जनता भैया का तो सुंघाइएगा ललका महाराज दे देगा, संजोग से आप सांसद बन गए, अब देख लीजिए इसका भी पेंशनवा आपको मिलेगा, इसका भी पेंशनवा मिलेगा, फिर अगला बार में महाराज आप केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो इस सब का पेंशनवा आके मिल जाएगा, है ना सर जी?
है ना, ये क्या है, ये लोग भगवान जी का औलाद होता है, हम लोग तो ऐसे ही यार, हम लोग का गार्जियन, हम लोग का बाप मतारी तो ऐसे ही पैदा करके छोड़ दिया रोड पर ना, ये लोग भगवान जी का औलाद है, इसको सब मिलेगा। तो महाराज बताइए ना, अच्छा बताइए बाबू, आप लोगों को ये सब नहीं करने का मन करेगा तो हो बीपीएससी यूपीएससी लवर तिलो करने का मन करेगा, इसीलिए नू लड़का महाराज सुसाइड करता है। ये का नाम थोड़े है, तो का नाम गलत थोड़े है सर, हाँ आइए ना, हमारा बिहार में सटा देंगे काटा कपार में। ए महाराज, जो 10 साल 5 साल 7 साल से नौकरी कर रहा है उसका नहीं होता है, उसला एग्जाम दे करके आने के बाद कैंसिल हो जाएगा, वो लेकर क्या करेगा महाराज, काटा नहीं करेगा, डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा, काटा पकड़ेगा हाथ में, स्मगलिंग करेगा, दूसरा काम करेगा, कथी करेगा, इतना मतलब पढ़ लिख लेने के बाद दो नंबर काम करेगा कोई भी। चलिए, जैसे अमरेश भाई, अमरेश सर जैसे बोले हैं कि देखिए, विधायक से मंत्री बनना, मंत्री से सांसद बनना, और सांसद से फिर कोई केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं, केंद्रीय क्या बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। तो इन देखिएगा, जो आप मंत्री बन रहे हैं यहाँ छोड़ें तो इसका भी आपका पेंशन मिलवे करता है, फिर आप मंत्री से भी या सांसद बन जाते इसका पेंशन मिलवे करता है। लेकिन अमरेश भाई यहाँ बोले थे कि एसएससी जीडी का कोई विद्यार्थी है भाई, ये कुछ दिन जॉब करने के बाद वो छोड़ता है और किसी और वैकेंसी में जाकर वो ज्वाइन कर लेता है, भैया एग्जाम देकर वो ज्वाइन करता है, तो इसमें इस लड़का को इसका चार्ज देना पड़ जाता है, कम से कम 1 साल का सैलरी उसको भुगतान करना पड़ता है गवर्नमेंट को, तब गवर्नमेंट कहती है कि जॉब छोड़िए, है कि नहीं। लेकिन इन लोगों पर क्या है, ये कौन सा मेहनत से बना है ना, एक लड़का मेहनत करके आईएएस ऑफिसर बनता है कि नहीं, और ये लोग क्या करते हैं, अनपढ़ जो लोग भैया, जिन लोगों को कुछ ज्ञान नहीं होता है, ये गेट खोले तो पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको सैल्यूट मारता है आईएएस ऑफिसर, गेट बंद करे तो सैल्यूट मारता है, बाथरूम का गेट खोलेगा तो भी सैल्यूट मारता है कि नहीं। ये लोग अपने पहले सिस्टम में सुधार करे, और नेक्स्ट जो एग्जाम और बिहार पुलिस का जो भी डेट क्लियर होने वाला है उस डेट पर भैया एग्जाम ले, और ये लोग पूरा शेड्यूल से एग्जाम ले, कोई पेपर मार्केट में नहीं आना चाहिए कि पढ़ा लिखा विद्यार्थी डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, और इसके भागीदार भैया नितेश चाचा है कि नहीं। कुछ होता है, लड़का इधर से उधर करेगा तो उसको पकड़ कर भैया क्या जेल में डाला जाता है, जेल में डाला जाता है, तो क्या हो जाएगा उसको, आप उसका समाधान थोड़े करिएगा, समाधान तो ये हुआ नहीं है कि नहीं। और ये लोग नितेश चाचा इस पर ज्यादा सुधार करने की कोशिश करे, है कि नहीं, बहुत सारी बातें हुई हम लोग बताइए ना ये वाला सर। अब बताइए इसी में का थोड़ा सा एक और बात है सर, ये लेकिन ये विधायक मंत्री वाला लोग, ये लोग चूंकि नियम कानून तो ये लोग बनाता है, तो इसके हक में कोई घाटा थोड़े लगेगा सर, इसके हक में घाटा नहीं लगेगा। लेकिन एक बताइए, इस ससुरू लोग क्या कहे सर, कुछ बोलिए कम है, ये ससुरू लोग क्या बताए, ये लोग मुखिया जी लोग जानते हैं पंचायती राज नियम, मैथमेटिक्स के टीचर हैं हम लोग, 11th 12th वगैरह पढ़ाते हैं, लेकिन पंचायती राज नियम थोड़ा बहुत पढ़ ली है, बिहारी होने के नाते सब चीज का ज्ञान रहता है ना। अब बताइए, अब नेता मंत्री विधायक जी लोग है, ये लोग तो खुद कानून पारित करता है तो अपने हक में तो फायदा करवे करेगा ना, लेकिन मुखिया लोग को बताइए, अब इहो तो अपने गांव स्तर का ही बेचारा नेता जी ना होते हैं, बताइए इस ससुर के नाती लोग को वेतन मिलना चाहिए 50,000 75,000 1,00,000 1,25,000 पेंशन मिलना चाहिए, महंगाई भत्ता मिलना चाहिए, खाना का पैसा मिलना चाहिए, मोबाइल का पैसा मिलना चाहिए, हई कहती है रे ससुरा बनाया तू है ना यार, नहीं बनाता इसको, सारा तू अपने हैंडल करता, इसका वेतन देता है सर 2,500 रुपया, 2,500 रुपया क्या होगा बोलिए 2,500 में क्या होगा, आप महाराज सूद से खाना नहीं खा पाइएगा महाराज, दाल चावल सब्जी नहीं मिल पाएगा आपको। अब बताइए, अब इसमें इस ससुर के नाती लोग को, ये तो भगवान का औलाद है, वो बेचारा इसी में से ये छट गए, अब इसको साला साथ इस नलायक के औलाद कहेगा इसको। अब जो इसमें आ गए, यानी आप नीच स्तर के काम करते हैं ना भाई, तो नीचे स्तर के वाले रह जाइएगा, समझ गए, ये तो पलटू चाचा चाहिए रहे हैं, जितना बड़का काम करिए ना महाराज। अभी कुछ दिन पहले साला एक घटना देखे थे, 25 करोड़ का चोरी हो जा रहा है, 10 गो राज में घूम घूम के चोरी कर रहा है, साला लग रहा था कि आइए सब सर है कोट पाइट पहन करके, तो वैसा काम करने वाला है, आप क्या करिएगा, आप लोग मजबूर कर रहे हैं महाराज लड़का सबको करने के लिए, हम लोग क्या करेंगे, पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं, कथी करेंगे, वहीं करेंगे ना महाराज, इसको भरने के लिए तो कुछ चाहिए ना भैया, आप तो हम लोग के लिए कोई स्पेशल दे नहीं रहे हैं, कुछ दे नहीं रहे हैं ना। देखिए इन लोगों का सबसे पहले ये गलती है कि हमेशा
से मन करे तब बजा दो, बजा दीजिए। तो भैया जरा ध्यान दीजिए, विद्यार्थी एक गरीब फैमिली से आता है, बहुत मेहनत करता है, आप लोग जैसे रजवाड़े घरों से नहीं आता है कि जब मन करे तीजर से बजा दीजिए, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो भगवान का औलाद है कि नहीं? घर में बनाया है, राजा का औलाद है लोग। विद्यार्थी एक बिना खाना खाए हुए रात में पूरा स्टडी करता है, मेहनत कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, एग्जाम में बैठ रहा है, एग्जाम में बैठने के बाद पेपर कैंसिल, पेपर कैंसिल। भैया एक उम्मीद, एक लड़का हमसे आके मिला, बोल रहा सर हम अपने मन से 72 क्वेश्चन बनाए हैं, और मेरे बगल का लड़का जो है ना वो 85 से अबव क्वेश्चन मार दिया है। तो भैया बताइए 85 से अबव क्वेश्चन, उसके हाथ में तो क्वेश्चन मिल गया था। अब मान लीजिए कि देखिए अगर ये रिजल्ट इसी पर अगर जारी कर दिया, पेपर कैंसिल नहीं होता तो क्या होता, अधिक से ज्यादा भैया इसी से रिजल्ट बन जाता, पढ़ने वाले लड़का का रिजल्ट बन पाता क्या? नहीं बन पाता, और उसके सामने उसको शर्म लगता है, गांव मोहल्ले में भैया शर्म लगता है, सुसाइड कर लेता, और इसके भैया फैमिली का ये लोग जिम्मेदारी लेंगे? कोई विद्यार्थी डिप्रेशन का शिकार हो गया है, ये लोग जिम्मेदारी लेंगे? किसी के पास 5 लाख 6 लाख रुपया नहीं है, वो तो बच्चा भैया फी देने में, भैया फी देने में समर्थन नहीं है, उतना फी देने योग्य नहीं है, लेकिन ये लोग तो समझदार होना चाहिए। तो बस यही है कहना इन लोग से कि जो पेपर ले वो ढंग से ले, कोई पेपर लीक नहीं होना चाहिए। पेपर आपका जो 2 घंटा 3 घंटा पहले लीक हो रहा है, ये कोई पेपर नहीं आना चाहिए। अगर पेपर आ गया तो फिर आप समझिएगा इसके बाद आप लोग का क्या असर होगा, है कि नहीं? क्या बताया जाए, कितना कहा जाए, कितना कुछ कहा जाए कम होगा। अब लास्ट में हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि भैया यदि आप बिहार में नौकरी करना चाहते हैं तो अपने दिल पे पत्थर रख लीजिए, पत्थर नहीं होने वाला है, का करिएगा। काथी काथी बताया जाए आपको महाराज, नौवा फेल मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य मंत्री लोग बन जाएगा, क्या उपेक्षा रखते हैं आप महाराज? कोई वीडियो को देखने वाले बूढ़ा नहीं मानिएगा, हम किसी नेता का पक्ष नहीं लेते हैं, जो लोग गलती करेगा हम किसी का नहीं है, नहीं मोदी का है, नहीं नीतीश का है, नहीं किसी का नहीं है, हम किसी का नहीं है, बस हम एक शिक्षक है, शिक्षक होने के नाते जो लोग भी वीडियो देख रहा है, हमको अपने विद्यार्थियों को तो प्यार है ना भाई, उनके जीवन का तो मतलब जिम्मेवारी मेरे पास है, तो थोड़ा सा उन लोगों को समझाने के लिए प्रयास किए हैं कि यदि आप बिहार के जॉब की तैयारी करते हैं, आए उदाहरण बताए हैं ना भैया छोटा सा, 2014 में भाई कैसे निकालते हैं ससुर, आप कहते हैं बिहार को ले जाएंगे, कहाँ ले जाइएगा महाराज, कटहर ले जाइएगा, छोड़ दिया जाए, कोई अगर विपक्षी साला सवाल उठाने वाला ना हो तो आप लोग तो ऐसा कर दीजिएगा, ऐसा कर दीजिएगा कि सोचना नहीं, सोचने वाला बात है, हो जाएगा। आए साला दूसरे है का अमेरिका का क्या बोलते हैं, वो बराक ओबामा राष्ट्रपति थे, जिस दिन वो राष्ट्रपति पद से होते उसी दिन प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लिए, लेकिन अपने यहाँ साला एक विधायक बन जाइए तो 7 पूज बैठ के खाइए ना महाराज, 7 पूज बैठ के खाइए, आप लोग क्या समझते हैं विधायक कौन बनता है? बस नेता का मतलब जेकर नेत घट जाए नेता। अब बताइए ना बिहार पुलिस का ही जो सिस्टम एग्जाम, अब देखिए एग्जामवा लेने के लिए कोई बात नहीं होता है ना, चिटवा कराते हैं तो कोई बात नहीं होता है, पेपरवा ले गए महाराज, दूसरा कोई थोड़े कहता है, हम चैलेंज होके कह रहे हैं, आपका कोई मंत्री किया होगा, अरे हम क्यों होंगे, तो ले जाइए ना हमारा जेल, कोई परवाह नहीं है महाराज, ले चलिए, हमने विद्यार्थियों के लिए वो सहने के लिए तैयार है, नहीं होगा आपसे कुछ नहीं होगा, कति कर लीजिएगा, बाहरी लोग थोड़ी करता है, इनके नहीं करता है, आपके कर्मचारी, ए महाराज तो करप्शन तो आप फैला के रखे हैं, करप्शन आप फैला के रखे हैं, आप किसी विभाग से नहीं लीजिएगा तो वो हम लोग से नहीं लेगा, साला स्थिति आज के डेट में सर ये हो गया है कि आप मतलब किसी भी नीच से नीच स्तर कर्मचारी के पास जाइए ना, उस वाला एगो आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है ना सर, तो आपको नंबर ही पंचायत सुंघाना पड़ेगा तो जन्म प्रमाण पत्र मिलेगा आपको, है लबर तिलो जो भी हो छोटा से छोटा, तो करप्शन ऊपर से लेके नीचा ले भरल है, कथी कर पाइएगा? है तो ये आप लोग जॉब की तैयारी करते हैं ना भैया, तो दिल पे अपने पत्थर रख लीजिए, आप कहिया जॉब होगा एकर गारंटी छोड़ दीजिए, क्या करिएगा? अभी इस स्थिति में बताइए, 5 साल तैयारी करिएगा, 2014 खाली यदि 2023 में करा जाए क्या होगा? एग्जाम देने का मतलब है 1 साल 2 साल पहले से आप तैयारी करते हैं, एग्जाम दे के आए बाहर निकले तो पता चला कि पेपर लीक हो गया, 2 दिन के बाद हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं, आपका आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, आप तो बिहार में मेरा भेजिएगा,
बिहार ने हमारा सिस्टम सही देख लीजिए, दिखा देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में सारा मेरा सिस्टम है। कहा कीजिएगा सबको सील करवा दीजिएगा, बिहार मेला जेल में डाल दीजिएगा, कोई बात नहीं है महाराज, ऐसे भी हमको कोई रोने का आने वाला नहीं है, ले चलिए बैठा के खिलाइएगा ना। एक एग्जाम तो ये लोग खुद क्लियर नहीं किया, नेक्स्ट वैकेंसी का चर्चा करने लगे। नेक्स्ट वैकेंसी, हां नेक्स्ट वैकेंसी, फिर हम बिहार पुलिस से वो नहीं है, समझी ना रहुआ, ये बात नहीं के ये आप लोगों को लॉलीपॉप थमाया जा रहा है बेटा, शॉर्ट एम एच शॉर्ट चुंबक बा शॉर्ट इसाला ये लीक हो गई आ एग्जाम के पहले दूसर वैकेंसी का क्या राजनीतिक है मूर्ख समझ ले बड़ा कि हम आप लोगों को जॉब देने वाले हैं ये दिखा रहे हैं कि हमको साल भर में इतना जॉब दे देना है और कुछ नहीं है बस है कि नहीं अगर इनको क्लियर कराना होता तो आराम से एग्जाम लेते टाइट पूरा एग्जाम लेते और सेकेंड वैकेंसी का डेट निकालते अभी एक का तो एग्जाम ही नहीं हुआ एक का एग्जाम ही नहीं हुआ था दूसरा का सूचित करने लगे कि हाँ हम फिर एग्जाम ले लेंगे तुरंत फॉर्म भरवा के तो लोग बकचोदर समझ के रखे हैं ये लोग खुद होशियार है कि नहीं ये क्या करते कि भैया एक शेड्यूल बना हुआ इन लोग का कि भैया तुम पैसा कैसे तुम कलेक्शन करो हमको पैसा दो हर बड़ा के ऊपर एक दूसरे का बड़ा है जब मंत्री सब में एक दूसरे पर शेड्यूल बना हुआ तो क्या करेगा किसी को आप प्रेशर में डालिएगा तो क्या करेगा कैसे ना कैसे लाएगा है कि नहीं है अब देखिए दरोगा जी से भैया एसपी साहब कलेक्शन करते हैं एसपी साहब कलेक्शन करके डीएम साहब को देते हैं और डीएम साहब से कलेक्शन भैया सीएम साहब करते हैं भैया और देखिए जो बात नहीं मानेगा उसको भैया जरा ध्यान दीजिएगा ऐसे एरिया में भेज दिया जाता है जहां ठूठ साफ होते रहते तार सुख चैन से नहीं रहिएगा और आप एक ऑफिसर होकर पढ़े लिखकर होकर हम लोग भैया व्यक्ति उन लोगों की बातों में चलते रहते लेकिन क्या है मजबूरी है है कि नहीं किन लोगों को सैल्यूट मारते रहना भैया हर चीज पर सैल्यूट मारिए इस छोटा सा के पास में क्या चीज है क्वालिफिकेशन कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है ये बात करना चलता है भैया राज के बारे में बात करना चाहिए राज के बारे में पहले नॉलेज है इन लोगों के पास में कुछ नॉलेज नहीं है कि नहीं कुछ बातें अमरेश भाई बोलेंगे ठीक अरे है? सर इन लोगों को नॉलेज रहता तो बोलना रहता है कुछ बोला जाता कुछ नेताजी लोग बोल देते हैं 12th पास सॉरी इंटरमीडिएट पास 12th करने वाले के पढ़ने वाले को लैपटॉप दिया जाएगा महाराज आपको यो पता नहीं है कि 12th था इंटरमीडिएट एक है तो ये आप क्या करिएगा विकास करवाइएगा जी ये हमारा बिहार के बाहर बा आप फिर से हमारे पलटुए चाचा के बाहर बा कर देखिए आप लोग दिखाना चाहते तो दिखा दीजिए बदला दिखा सकते हैं कि भैया आप एग्जाम के पैटर्न को सुधारिए हर चीज बिहार में सुधारिए और सुधारने के बाद में आपको सरकार हम लोग बनाएंगे लेकिन अगर इस तरह करते हैं तो ये शेड्यूल बेकार है कि नहीं एग्जाम की स्थिति सबसे पहले सुधारिए है कि नहीं बच्चा सब रो रहा है जो अपने मन से मारा था मतलब क्या करे शाम को इतना लड़का सब कॉल किया कि सर हम पढ़े थे हम 65 बनाए हैं हमारे बगल वाला है ना 95 मार दिया भैया 95 मार दिया तो 2 घंटा पहले क्वेश्चन लीक होगा तो 95 नहीं मारेगा लड़का 5 घंटे पहले क्वेश्चन ये कौन सिस्टम है भैया नीतीश से पहले अपने सिस्टम में सुधार कीजिए और सिस्टम में सुधार करके इस एग्जाम का तुरंत से तुरंत भैया डेट क्लियर कीजिए और एग्जाम लीजिए और नेक्स्ट वैकेंसी आप बोल रहे थे देने के लिए तो तुरंत इसका एग्जाम लेकर और फिजिकल करा कर इनको ट्रेनिंग में भेजिए और नेक्स्ट वाला वैकेंसी तुरंत दीजिए तो हम लोग देखते हैं कि हाँ आप में कितना ये दम है और आप लोग सच्चाई पर काम करते हैं इलेक्शन में पैसे की जरूरत है तो कुछ कर दीजिएगा है ना गरीब के बच्चों को भैया क्या ढा दीजिएगा का मरवा दीजिएगा का बेचारा अपने टाइम के अंतर्गत वो जॉब की तैयारी करता है उम्र खत्म हो जाता है उसका भी एक ख्वाहिश होता है आप लोग की जैसी बात नहीं ना कि पिताजी सब अरज के रखे हुए हैं भैया राजवाड़ा जिंदगी जी रहे हैं भैया कोई तकलीफ नहीं कोई दुख नहीं आप लोगों को क्या समझ में आएगा आइए ना कंपटीशन में बैठ के देखिए हमारे बच्चों के साथ में अपने बच्चों को बैठाइए औकात मालूम पड़ जाएगा है ना गीला हो जाएगा पिछवाड़ा गीला हो जाएगा एकदम गीला हो जाएगा एक ग्रुप डी का एग्जाम बोल रहे हैं ना ग्रुप डी का क्या बिहार पुलिस के एग्जाम में बैठा दीजिए ना आपके बच्चों का एग्जाम भैया देने में आप लोगों से पैंट गीला हो जाएगा उन लोग से तैयारियां हो पाएगी नहीं हो पाएगी लेकिन आप जो तैयारी करता है तो उसका जो भी है उसका जो आपका है उसको दीजिए जो उसका हक है वो दीजिए ये नहीं कि हाँ पैसा लेकर क्वेश्चन को बेचा जाए ये तो गलत बात है कि नहीं इसका जवाब तो आपको मिल ही जाएगा आने वाले समय में देखिए आपको क्या मिलता है जवाब आप लोग इसके लिए तैयार रहिए सिस्टम यदि गलत है तो उसके बारे में उतरिए ना भाई कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा हम कोई गलत बात नहीं बोले हैं अगर फिर जिन लोगों को गलत लगता है चाहे चाचा को चाचा जी को चाचा जी समझ ही रहे हैं उनको गलत लगता है तो कोई बात नहीं डाल दीजिए महाराज वही में अफजल का साहब का इतना दिन सेवा कर सकते हैं आप लोग तो हमारा का जान मार दीजिएगा कोई बात नहीं है मार दीजिएगा एगो आपके सिस्टम के अंदर की बात चलते चलते इस वीडियो के अंत में एगो कह देना है बताइए अच्छा बुआ साहब आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं प्रत्येक एग्जाम का एगो कटअप जारी होता है कि नहीं होता है प्रत्येक एग्जाम का एगो कटअप जारी होता है
बिहार पुलिस का बहुत कटअप जारी हुआ है, आए बताओ। इसमें खाली दिखाता है जानते हैं कति पास गैल बैलव हुआ बछड़ु हुआ, हम लोग के गांव देहात में बुजुर्ग लोग कहते हैं गयो हुआ बछड़ु हुआ। अब देखिए सिर्फ पास अब पास दिखाने का वजह क्या है, यहाँ पर देखिए फैक्ट आपको खुद पकड़ में आ जाएगा। मान लीजिए कि हमने भैया 65 क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, आप उसका दिखाते कि हाँ इतना पर आपका पास किया गया, तो कोई मार्क्स आप सूचित नहीं करते। इसमें लड़का का औकात भी पता चलता है कि हम में कितना पानी है क्षमता है, अंदर है ले अब यहाँ पर क्या आप डायरेक्ट हाँ लिस्ट में दिखा देते कि ये विद्यार्थी पास है। भैया पास है तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि चोरी बाजारी है सबसे बड़ा। अगर ये चोरी बाजारी नहीं रहता ना तो यहाँ पर मार्क्स दिखाया जाता कि आप इतना क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इतना आपका सॉल्व नहीं किए है, आप इसके अंतर्गत नहीं है, आपका रिजल्ट नहीं बनेगा, नहीं है कि नहीं। अब यहाँ विद्यार्थी मान लीजिए वो भैया 77 क्वेश्चन अगर बना कर आया है और उसका रिजल्ट नहीं हुआ है ना भैया, अब 77 क्वेश्चन बना के उसका रिजल्ट नहीं है तो उसको थोड़ी बुझाएगा कि भैया हम कितना सही किए थे कितना गलत किए थे। इसमें तो अंदर पैसा ले लिया जा रहा है नीचे से, भैया पैसा लेकर काम कराया जा रहा है, तो पैसा लेकर काम कराया जाए तो पैसा आप लोग के पास में जा रहा है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर पास दिखाते हैं और कहते हैं कि बउआ आइए फिजिकल, भैया फिजिकल में आइए आपका फिजिकल पर मेरिट बनेगा। तो आप जनता को स्टूडेंट को घोचू समझ के रखे हैं का, बताइए ये सारी बातें पकड़ में आती है। फिजिकल पे मेरिट बनेगा, एक मतलब आप बिहार में मेरिट वाला को नहीं लेना चाह रहे हैं, बहुकार बम्बे लाठगाधा को लेना चाह रहे हैं, फिजिकल पे नौकरी दीजिएगा। फिजिकल सर तो फिजिकल तो सबका सेम होना चाहिए, हाँ। फिजिकल पे आप मेरिट दे रहे हैं, बताइए कोई 4 मिनट में दौड़ कर रहा है सर, कोई 4 मिनट में दौड़ कर रहा है, वो 6 मिनट में, तो ये तो बेचारा गधे ना होंगे भैया, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, ये आपके आपके हक के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आपके हक की बात कर रहे हैं। अब बताइए अब आपके मन में खोट है तो अब हेकरा छोड़ करके हेकरे नहीं सेलेक्ट कर लीजिएगा, हाँ आपको तो माल का बात है महाराज, माल का बात है, पॉकेट में पैसे बात तो माल तो हर बात बानू वे बात बा का सही। लीजिए सर फिजिकल पर बहाली करना ये गलत है, फिजिकल के अनुसार मेरिट बनाना ये गलत है, है ना, इसका मतलब इसमें है कि हाँ आपको जो लड़का रिटेन और प्लस फिजिकल ये दोनों के अनुसार आप मेरिट बनाइए और रिटर्न में सूचित कीजिए कि हाँ इतना परसेंटेज पर हम आपका रिजल्ट क्लियर करेंगे और लड़का का मार्क्स सूचित कर दीजिए, है ना। मान लीजिए कि उसके पास वो नॉलेज ही नहीं है और सिर्फ फिजिकल पर वो चला गया, बहाली में चला गया, कोई विद्यार्थी अगर सुन रहा होगा तो बुरा नहीं मानेगा, माफ कीजिएगा, क्योंकि आपके पास अगर नॉलेज रहेगा ना तो भैया आगे प्रमोशन करने में भी आपको सहूलियत मिलती है। लेकिन मान लीजिए कि आप बिहार पुलिस बन गए, अब मान लीजिए दरोगा जी बनना है आपको, तो भैया बिहार पुलिस में ज्वाइन करके दरोगा जी का एग्जाम कब दीजिएगा, जब आपके पास में रिटेन ठीक ठाक रहेगा तब ना, और नहीं तो क्या है कि यहीं पर रिटायर होइएगा, जिंदगी भर बम्पेलाट का बम्पेलाट है कि नहीं, आपके हक के लिए तो आप लोग तो देखिएगा, मैं रिटेन का इसीलिए बात कर रहा हूं ना ताकि इसका पर्दाफाश हो। जो डायरेक्ट आप कहते हैं कि ये विद्यार्थी पास है तो ये फिजिकल में जाएगा, जैसे एसएससी जीडी एग्जाम लेता है कि हाँ अब उसका रिजल्ट देगा, मेडिकल के लिए एक अलग कटअप चलता है, फिजिकल के लिए एक अलग कटअप बनता है और उसके रिटेन का सूचित किया जाता है कि जिस विद्यार्थी को रिटेन में इतना परसेंट का मार्क्स आएगा तो वो पास है, और उस सब एग्जाम तो सूचित भी कर देता है कि आपका कौन क्वेश्चन का आंसर सही है कौन सा कहीं गलत है। ये तो भैया ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है, इसमें तो खैर नहीं सूचित करते हैं, तो कम से कम बताइए ना कि एक विद्यार्थी ने भैया कि आप 43 नंबर लाया कि 70 नंबर लाया, उसको खुद पकड़ में आ जाएगा कि आप गलत रिजल्ट दे रहे हैं कि सही रिजल्ट दे रहे हैं। जब लड़का जब बनाया है 70 क्वेश्चन तो उसको दिखाई देगा कि हाँ हमारा 70% सही है, 100 में 70 क्वेश्चन तो 70% होता ही है, सही है कि नहीं। अगर हम लोग से किसी प्रकार की कोई गलती हो गई होगी तो थोड़ा सा क्षमा कर दीजिएगा आप लोग, और आप लोग के ही हक में बोले हैं रिटेन और फिजिकल, है कि नहीं। जैसे आप देखिएगा पहले आर्मी में क्या होता था कि पहले फिजिकल लिया जाता था तब रिटेन एग्जाम लिया जाता था, अब क्या हो जा रहा है कि पहले रिटेन लिया जा रहा है और फिजिकल लिया जा रहा है तब उसके बाद में जाके भैया क्लियर रिजल्ट क्लियर किया जा रहा है बाकी सब, है कि नहीं। क्योंकि लड़का होशियार भी हो और फिजिकल स्ट्रांग भी हो दोनों चीज चाहिए, सिर्फ फिजिकल स्ट्रांग होना और अंदर से होशियार नहीं होना मतलब वो भैया गधा के बराबर बस, है कि नहीं। तो अगर किसी प्रकार से हम दोनों भाई तो उसके आप लोग भैया माफ करेंगे, है ना, किसी दूसरे बात पर हम लोग कभी फिर मिलेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट। आप लोग थोड़ा सा एक बात और जानना बात करना हम चाहेंगे, एक मिनट की बात है।
एग्जाम में हम लोगों के जमाने में सर सिलेक्शन होता था, आप लोग बताइए तो तरीका आज के डेट में सिलेक्शन हो रहा है कि रिजेक्शन हो रहा है? भैया याद कर लो हमर भैया, आज के डेट में रिजेक्शन होता हुआ सिलेक्शन ना, समझ लीजिए। आप अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि कोई आपका कुछ बाल बका नहीं कर सके, ठीक है? बहुत इसके अंदर भरा हुआ है यार, इसलिए इतना बोल रहे हैं। क्या करिएगा? अरे भैया आप मेहनत करिएगा ना, तब के अंदर से आपका भरास निकलेगा। है जो राजा का बेटा है भाई, उसको क्या परवाह है, वो तो एसी का हवा मिल रहा है उसको, कहीं जाएगा आगे पीछे साला 10 को कोए कोए गाड़ी घूमते रहेगा। है आप पैदल चलिएगा, साइकिल से चलिएगा, मोटरसाइकिल से चलिएगा, तरह तरह का देखना देखने को मिलेगा, तब नहीं सब कष्ट नजर आएगा महाराज आपको। है उस सबको क्या कष्ट होगा? चलिए फिर मिलेंगे हम लोग, तब के लिए इतना ही। अगर हम सब लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं कि शिक्षा मित्र वाले भाइयों के ऊपर हम बोले हैं, ये आपके ऊपर व्यंग नहीं कसे हैं हम, ये सरकार के ऊपर व्यंग कसे हैं हम, थोड़ी से ध्यान दीजिएगा। आप लोग इस वीडियो के बारे में कुछ बुरा नहीं, चूंकि हम लोग पहले ये वीडियो डालने वाले नहीं थे, यूट्यूब पे डालने वाले नहीं थे, चूंकि क्लास हम पढ़ा रहे थे, ले रहे थे, अचानक कहाँ से ये बात आ गया है, और हमारे आलम भैया भी आ गए हैं जिसके चलते इस पे चर्चा इतना होने लगा है, नहीं तो ये हम लोग वीडियो यूट्यूब पे डालने वाले नहीं थे, समझ गए? तो ये कोई आप लोग अदरवाइज ना लीजिएगा प्लीज करके। अब बताइए तो महाराज 1500 पे बहाली लिया आज से 10 साल 12 साल 15 साल पहले, अब आपसे बीपीएससी का एग्जाम लेगा, ठीक बात है? आप तो अपने परिवार बाल बच्चा में लग गए हैं, हाँ तो ये हम सरकार के ऊपर व्यंग कसे हैं, ठीक है? सब लोगों को सब लोगों से क्षमा प्राप्ति, और जय बिहार, जय चंपारण, जय हिंद, मिलेंगे फिर।